ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये वाली चीज़ नहीं मंगवाई थी, अच्छे वाली चीज़ मंगवाई थी। इन्होंने पैसे पूरे लिए हैं और वो चीज़ें भेज दी हैं जो मैंने नहीं मंगवाई। वेरी बैड एक्सपीरियंस। मेरा मूड ख़राब हो गया फ्रेंड्स। मैं अब बाद में बात करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं पहले बैठी थी व्लॉग बनाने, आपने शायद देखा होगा वीडियो में, अरफा मेरा व्लॉग बना रही थी और मैं बड़ा हैप्पीली पार्सल ओपन कर रही थी। बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम के पार्सल जब मैंने ओपन किया तो आई वॉज नॉट हैप्पी, क्योंकि चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट थी, जो मैंने मंगवाई थी वो थी भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू मुमताज़ बानो व्लॉग्स। और फ्रेंड्स, आज हमने कुछ थोड़ी सी शॉपिंग की थी ऑनलाइन, तो मैंने कहा क्यों ना हम पार्सल खोले अपने फ्रेंड्स के सामने। तो फ्रेंड्स, ये है मेरे पास पार्सल, तो आइए इसको ओपन करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आज आपको बता दूं कि मेरा जो कैमरा मैन है ना, वो मेरा सबसे छोटा वाला बेबी अल्फा है। अल्फा कैमरा मैन है। तो अल्फा, सही पिक्चर आ रही है ना मेरी? हाँ। सर नजर आ रहा है? ये भी नजर आ रहा है? गुड, ज्यादा नहीं हिलाना। ओके ओके, मुझसे बोले ओके। चले चले, अब ये हम पार्सल दिखाएंगे फ्रेंड्स को। मम्मा भी नजर आए हो? पार्सल भी ओके। बादशाह और आप नजर आ रही हैं? आप दोनों नजर आ रही हैं। हम चलें देखते हैं क्या है, क्या आया है। ओके, ये है जी एक चीज। तो ये क्या चीज है फ्रेंड्स, आपको पता है ये क्या है? ये दिखाएं, आज फ्रेंड्स को दिखाते हैं। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, ये है होल्डर। ये मेरे जैसे जो रात को यूज करते हैं ना फोन, उनके लिए है। ठीक है, इस तरह हम इसको पहन लेते हैं गले में, थोड़ा पीछे जाओ अल्फा, और ऐसे हम फोन एडजस्ट करेंगे और हम ऐसे करके अपना फोन देखेंगे, हमें पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अच्छी चीज है ना। ए, ये क्या आया है? क्या आया है? ये क्या था? ये लीड है, यूएसपी, यूएसपी लीड है। हम इससे क्या करेंगे? ये मैंने तो वैसे नहीं मंगवाई, लेकिन किस चीज की है? और हम इससे क्या करेंगे बेटा? ये यूएसबी केबल है, बड़ी मोटी केबल है भाई, मेड इन चाइना, हाई स्पीड कंप्यूटर केबल। वैसे मैं बताऊँ, मैंने नहीं मंगवाई थी, ये पता नहीं क्यों आ गई है। वेरी वर्स्ट एक्सपीरियंस। पीछे जाएं जरा, मम्मा को दिखाएं। फ्रेंड्स, मैंने ये वाली चीज़ नहीं मंगवाई थी, अच्छे वाली चीज़ मंगवाई थी। इन्होंने पैसे पूरे लिए हैं और वो चीज़ें भेज दी हैं जो मैंने नहीं मंगवाई। वेरी बैड एक्सपीरियंस। मेरा मूड खराब हो गया फ्रेंड्स। मैं अब बाद में बात करती हूँ। मम्मा, स्टैंप भी नजर आ रही है। स्टैंप। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मुमताज बानो व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, मैं पहले बैठी थी व्लॉग बनाने, आपने शायद देखा होगा वीडियो में, अरफा मेरा व्लॉग बना रही थी और मैं बड़ा हैप्पीली पार्सल ओपन कर रही थी। बट दिस इज द फर्स्ट टाइम के पार्सल जब मैंने ओपन किया तो आई वॉज नॉट हैप्पी, क्योंकि चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट थी, जो मैंने मंगवाई थी वो थी भी नहीं। प्राइस भी उन्होंने मुझे अच्छी चीज़ की, अच्छी क्वालिटी की चीज़ मैंने मंगवाई थी चार्ज किए, और उन्होंने मुझे लो क्वालिटी भेज दी। पहले तो मेरा मूड इतना ऑफ हुआ कि मैंने वीडियो बनानी बंद कर दी। फिर मैंने सोचा कि नहीं, चले जो भी है, जैसा भी एक्सपीरियंस है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया जाए। तो चले मैं आपको दिखा देती हूँ। मेरा मूड अब ज़रा बेहतर हो गया, क्योंकि मैंने कंप्लेन की है दराज वालों को और उनको मैंने बताया है कि आपने अच्छी क्वालिटी की चीज़ के पैसे चार्ज करके मुझे बिल्कुल घटिया और डिफरेंट क्वालिटी भेजी है, और कुछ चीज़ें तो वो भेजी हैं जो मैंने मंगवाई ही नहीं थी। तो उन्होंने कहा है कि हम आपको जल्दी कॉन्टैक्ट करेंगे वापस, और इंशाल्लाह आपका जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे। तो लेट्स सी, अभी मैं फिर इसको यूज़ नहीं करूँगी। फ्रेंड्स, आपको पता है कि ट्राईपॉड कितना ज़रूरी होता है किसी भी व्लॉगर के लिए या टिकटॉकर के लिए। तो आपको पता है, जैसे मैं टिकटॉक पे भी वीडियोस बनाती हूँ, तो मुझे काफ़ी ज़रूरत थी, और मेरा पहला जो था वो बच्चों ने ख़राब कर दिया था, इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं था, तो मैंने सोचा था मैं अच्छी क्वालिटी का मंगवाऊंगी। खैर, मंगवाना तो मैंने क्या था, जो आया है तो वो तो जो पहले मेरे पास था ना, उससे भी घटिया क्वालिटी में था, हालांकि उन्होंने मुझे पैसे फुल चार्ज किए थे। तो चले मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अच्छा बुरा हर तरह का एक्सपीरियंस अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो शेयर करना चाहिए। तो आ जाए फिर, तो चले फ्रेंड्स, फिर आज आपको दिखाती हूँ कि आज क्या बैड लक हुई मेरे साथ। जी फ्रेंड्स, चले मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, एक तो मैंने ये मंगवाया था, ये चीज़ जो उन्होंने दिखाई थी उससे काफ़ी डिफरेंट है। ये था मोबाइल होल्डर, जो मोबाइल को होल्ड करता है, आप अपने गले में पहने और आप जब रात को लेटे हुए हैं तो आप इसलिए इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर यही प्रॉब्लम हो तो मैं इस पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती,
लेकिन अगली चीज मैं आपको दिखाऊं, मैंने एक मिनी ट्राइपॉड मंगवाया था जो कि सेल्फी स्टिक के साथ अटैच हो जाता है, तो उसकी जगह उन्होंने मुझे भेज दी ये कंप्यूटर की डाटा केबल जो मेरे किसी काम की नहीं है। अच्छा, और थर्ड वन और द वर्स्ट थिंग इज मैंने मंगवाया था इनसे प्रोफेशनल ट्राईपॉड जो होता है 5208 प्रोफेशनल ट्राईपॉड होता है, वो हैवी ट्राईपॉड होता है विद ब्लूटूथ, और ये इन्होंने मुझे सबसे हल्का वाला घटिया वाला जो है वो भेज दिया जो 400-500 रुपए का भी नहीं है, और चार्ज इन्होंने मुझे इसके लिए 2500 रुपीज़ किए थे, और ब्लूटूथ पता नहीं किसकी भेज दी भाई, इसमें तो ये ब्लूटूथ का फंक्शन भी नहीं है, और ये इन्होंने मेरे साथ किया। और जब बिल की बात करें तो बिल पे आप देखेंगे इन्होंने चीज़ें वही लिखी हुई हैं जो मैंने इनसे मंगवाई थी, ट्राईपॉड भी वही लिखा हुआ है, फिर मिनी ट्राईपॉड लिखा हुआ है, और फ्लेक्सिबल नेक स्नेक स्टैंड मल्टी ये भी, तो ये इन्होंने ये काम किया है। मैंने इनको बारे में कंप्लेन की है तो होपफुली वो इसको एड्रेस करेंगे। जी फ्रेंड्स, तो देखा आपने आज मेरे साथ क्या बैठलैक हो गई, मेरा मूड तो काफ़ी ख़राब था लेकिन अभी बैठर हूँ मैं, और ये दराज वालों का ये वो पार्सल है जिसको खोल के मुझे ज़रा भी खुशी नहीं हुई बल्कि मैं डिसअपॉइंटेड हुई। लेकिन फ्रेंड्स, ज़िंदगी में ऐसा हो जाता है क्योंकि आपको पता है ऑनलाइन आजकल दौर है, हर चीज़ ऑनलाइन है, तो आप इस चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकते, आपको मंगवानी चाहिए चीज़ें। मैं पहले भी मंगवाती हूँ, अच्छी चीज़ें होती हैं, थोड़ा बहुत कमी बेशी हो जाती है लेकिन इट्स ओके चलता है। लेकिन अगर बिल्कुल ऐसे हो कि आपको पैसे भी उन्होंने सही चार्ज किए और लो क्वालिटी प्रोडक्ट भेज दी, और कुछ प्रोडक्ट तो बिल्कुल ही डिफरेंट भेज दी, मैंने मंगवाया मिनी ट्राईपॉड भेज दी उन्होंने डाटा केबल जो कि मेरे किसी काम की नहीं है, तो फिर आपने ऐसी सूरत हाल में चुप करके नहीं बैठना। पहले तो सोचा था मैंने कि यार दफ़ा करो छोड़ो परे, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं यार मुझे कंप्लेन करनी चाहिए, तो मैंने उनको कंप्लेन की, उन्होंने मेरे से रब्ता किया है, और होपफुली ये जल्दी रिटर्न हो जाएगा, या तो मुझे सेम प्रोडक्ट भेजेंगे अदरवाइज वो फिर मेरी मनी जो है वो मुझे वापस करेंगे, रिटर्न करेंगे। जी फ्रेंड्स, बैड एक्सपीरियंस तो आपके साथ शेयर किया, मैंने कहा चलें कुछ अच्छी चीज़ें भी आपके साथ शेयर करते हैं। नेक्स्ट डे बहुत सनी डे था, बड़ी तेज़ धूप निकली हुई थी, ये देख सकते हैं आप अभी बड़ी तेज़ धूप निकली हुई है, और हम लोग कहाँ निकले हुए हैं, हम लोग जी निकले हुए हैं अपनी एलईडी लेने जो कि ख़राब हो गई थी, अपनी वारंटी ख़त्म होने से दो दिन पहले एक्सपायर हुई, तो उसको लेने हम लोग निकले। फिर काफ़ी दिन हो गए थे, तकरीबन एक हफ़्ता हो गया था, क्लेम सेंटर में पड़ी हुई थी एक्सपो सेंटर के पास लाहौर में, जो लोग लाहौर से हैं वो जानते हैं, तो फ्रेंड्स मैंने कहा चलें अपने फ्रेंड्स के साथ व्यूअर्स के साथ शेयर की जाए लाहौर की खूबसूरत खाली खाली सी सड़कें जो कभी कभी देखने को मिलती हैं। ईद पे इस तरह होता है कि रोड्स बिल्कुल खाली हो जाती हैं और इस तरह इक्का दुक्का आपको जो है गाड़ियाँ नज़र आएँ, अदरवाइज़ तो फ्रेंड्स लाहौर में बहुत आपको पता ही है रोड पर कितना ट्रैफिक होता है। तो फ्रेंड्स ये राइट साइड पे अभी आपको नजर आएगा एक्सपो सेंटर, लाहौर की पहचान है जी फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं अपनी एक्सपो सेंटर जो कि खराब हो गई थी, तकरीबात होती है जल्दी जल्दी खराब हो गई है, और अपनी वारंटी खत्म होने से दो दिन पहले खराब हुई, हम अक्सर जाया करते थे लेकिन आजकल जो हालात चल रहे हैं तो एक्सपो सेंटर को उन्होंने शिफ्ट कर दिया है क्वारंटीन सेंटर में, कोरोना के पेशेंट्स हैं वहाँ पर, और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जल्द अज जल्द उनको सहित मिले और इस मुसीबत से जान छुड़ाएं। चलें जी फ्रेंड्स, आपके शाइन, कल इतना अच्छा मौसम था और आज तेज धूप है, हॉस्पिटल यहाँ पे कोरोना के पेशेंट्स हैं सारे, तो अल्लाह ताला इनको सेहत दे जी, हमारी दुआ इनके लिए। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं हमारा आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस व्लॉग को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आइंदा वाले जो व्लॉग हैं उनकी इन्फॉर्मेशन मिले। और फ्रेंड्स, अब हम लास्ट में आए थे यहाँ पर चुगताई लैब में, अपनी सिस्टर के लिए उन्होंने जाना है दुबई और उनके टेस्ट करवाने हैं, उसके लिए पता करने आए थे। अल्लाह हाफिज़।